मेट्रो सेवाएं जो पिछले कुछ महीनों से कोरोना संक्रमण के कारण बंद है फिर से शुरू हो गई है और धीरे धीरे मेट्रो यात्रियों द्वारा उपयोग की जा रही है। महामेट्रो ने टिकट की कीमतों में 50% की छूट दी है और यात्री इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। महामेट्रो ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी कि कैसे मेट्रो सेवा के साथ साथ नागरिक ऑटो सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह बताया गया कि कैसे मेट्रो और ऑटो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना सहयोग कर सकते हैं। टाइगर ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष विलास भालेकर इस अवसर पर उपस्थित थे। इस बार सघनते ने मेट्रो में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। निकट भविष्य में दोनों लगभग 2000 ऑटो रिक्शा चालकों के साथ अभियान में शामिल होने का इरादा रखते हैं। वर्तमान में 16 मेट्रो स्टेशन हैं। इन 16 मेट्रो स्टेशनों में से प्रत्येक में ऑटो चालक संघ का एक ऑटो चालक मेट्रो मित्र के रूप में कार्य करेगा, जो मेट्रो और ऑटो एसोसिएशन के साथ समन्वय करेगा। महामेट्रो ने एक नई उभरती हुई कंपनी भारत राइड्स के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। इस ऐप के माध्यम से ऑटो चालक के साथ साथ यात्री अपने घर से सीधा ऑटो प्राप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से वे आसानी से मेट्रो स्टेशन तक पहुँच सकते हैं और मेट्रो से यात्रा कर सकते हैं। मेट्रो से यात्रा करने वाले व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से सीधे स्टेशन के निकटतम ऑटो रिक्शा से संपर्क करके अगली यात्रा तय कर सकता है। इससे ऑटो चालकों को अधिक से अधिक संख्या में यात्री मिल सकेंगे। ऐप पूरी तरह से मुफ्त है और ऑटो चालकों के साथ साथ यात्रियों को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यही नहीं, इस माध्यम से आसपास के शौचालयों, दवा की दुकानों, भोजनालयों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टैंडों, पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर टाइगर ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष विलास भालेकर ने कहा कि यह दोनों ऑटो चालकों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यह मेट्रो से जुड़ा होगा और यात्रियों को बेहतर परिवहन भी प्रदान करेगा।